जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले 4-5 माह से कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है और हमारे आउटडोर की सारी शूटें बंद है। मतलब कि हम घर में फ्री बैठे हुए परेशान हो रहे हैं और हमारे इंडस्ट्री में हैं कुछ लोग जो काम कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि नहीं, मैं एज अ लैंड प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन मैनेजर का काम करता हूँ और भाई को कल काम के सिलसिले में एक फ़ोन कॉल आई तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि भाई को 4-5 माह बाद किसी ने याद तो किया काम के सिलसिले में। मतलब कि रात को मैं बहुत एक्साइटेड था, मोबाइल पे अलार्म लगाया और जल्दी से सो गया क्योंकि सुबह 9 बजे रैकी पे जाना था। भाई सुबह उठा, तैयार होकर फुल सिस्टम में बाहर निकला। जिस तरह भाई का मूड खुशगवार था ना, उस तरह बाहर का मौसम भी बेईमान था, बता नहीं सकता। हल्की बूंदाबांदी चल रही थी और यह खुशी चंद लम्हों की थी क्योंकि कुछ लम्हों बाद हर तरफ पानी पानी। तो सबसे पहला शौक हमें ये लगा कि हमारी जो बिल्डिंग की पार्किंग है ये डूब चुकी है। ये आप देख रहे हैं, ये सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे और आगे आंखों देखा हाल आपको बताता हूँ। इतनी बारिश, ये क्या हो रहा है? हे, हमारी पार्किंग फुल डूब चुकी है और मोटरें भी खुल चुकी हैं। वहाँ क्या सीन है, ये क्या हुआ है? हैं, हम तो सोए रहे भाई। भाई आप लोग सोए रहे, सारा बेसमेंट भर गया, सारी गाड़ियाँ डूब गई है। गाड़ी डूब गई है? गाड़ियाँ डूब गई है, वाकई गाड़ी डूब गई है। वाकई कमाल के वगैरह हम लोग ने सब कुछ खोल दिया भाई। कितने खोले हैं नीचे मोटर? कितनी लगी हुई थी? 3-4 लगी हुई थी। सब खोल दिए? सब खोल दिए, सब लेके आए। तू साथ था? हाँ मैं भी साथ। पक्का? पक्का। कितने खुश है फुल पाने। कराची का मौसम का हाल आपको बताते हैं कि हमारे आज बिल्डिंग के बाहर कितना सिस्टम हो रहा है। ये देखो, आहा, फुल पंजाबी माहौल चल रहा है। आए, 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 आए। चकर। ओहो, एहसान साहब पूरे भाई, एहसान साहब भाई के घुटनों तक पानी आ रहा है। कमाल है, दरख्त भी डूब। ये देखो दरख्त सिस्टम फिनिश। दरिया चल रहा है, दरिया फुल सिलाब आया हुआ है। गाड़ी के अंदर पानी भर चुका है, खड़ी गाड़ियों में कल्टस है, बिल्डिंग में तैर रही है। मतलब कि फुल सिस्टम हो गया है। अभी वो विड्स खड़ी हुई है, मतलब कि जो यहाँ से गाड़ी गुजरी है तो ऐसे ऐसे झूल रही थी। ये जितनी गाड़ी, एक ये होंडा खड़ी है, ये बलिनो खड़ी है, मतलब कि सारी गाड़ियाँ अंदर से फुल हैं, फुल भरी हुई हैं। हाय हाय, कराची की बारिश पहली मरतबा ये मैं हाल देख रहा हूँ कि हम अल्लाह ताला से मांगते थे कि या अल्लाह हमें बारिश दे, बारिश दे। अल्लाह ताला ने इतना हमें बारिश दे दिया कि अब पानी कभी कराची में मुझे नहीं लगता कि ख़त्म हो जाना चाहिए। चाचा आप डंडों के साथ क्या कर रहे हो यार? अब ये ना यहाँ पे लोग सुधर नहीं रहे ना, इनकी वजह से देखो अंडरपास के अंदर पूरा ट्रक डूब गया। कब? अभी। डंडा आपने इसलिए रखा हुआ है कि भाई ये गटरों के ढकने कहीं नहीं खुले हो। हाँ, फुल मोटरसाइकिलें खुली पड़ी हैं, पानी से भरी हुई हैं। चेक करो। क्या कर रहे हो भाई, क्या हुआ? अरे यार भाई खराब हो गया, पानी चला गया। कहाँ से आ रहे हो? हम महमूदाबाद। महमूदाबाद? कितना पानी था? इतना पानी था है? बहुत ज़्यादा पानी। ये कुछ लोग हैं जो यहाँ पे, ये जंप है तो यहाँ पे भाई लोग ये मदद कर रहे हैं कि लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ पे जंप है तो आप गाड़ी उधर से लेके आओ, घुमाओ। इधर जंप है, ये मतलब के लोगों की हेल्प ही कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू। ये इन्होंने खुद ही लगाया क्योंकि यहाँ पे बहुत पानी ज़्यादा था। के बंद हो चुके हैं और जो पानी में डूब जाते हैं तो उनका ये हाल होता है कि ये रक्षों में लेके जा रहे हैं। आपको सर पे उठा के ले जाओ, सर पे। कराची जिंदाबाद। जो पंजाब चुरंगी का अंडरपास है ना, एक साइड का जो रास्ता है ना वो खुला हुआ है, मतलब एक साइड भरी हुई नहीं है। अभी आपको दूसरी तरफ ले जाता हूँ जो फुल भरा हुआ है और एक ट्रक भी वहाँ पे सिस्टम हो चुका है, डूब चुका है उसमें। अंकल क्या हुआ, क्या हुआ? ये नहीं, मैंने सुना है, मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे आपकी गाड़ी डूबी हुई है। डूबी? कौन सी वाली है? सीजो। हाँ सीजो गाड़ी है। सीजो जी, पूरी बड़ी वाली? हाँ बड़ी वाली। क्या लोड क्या था? ड्रम लोड थे। 15 ड्रम आवाम ने उठा लिए। 15 ड्रम आवाम ने उठा लिए। आवाम ने उठा लिए? यार ये गलत किया है। और 15 निकाल लिए। बंदा कौन डूबा हुआ था? कोई डूबा था? उस साइड से कोई डूबा है? नहीं उस साइड से कोई डूबा है। ड्रम डूबा है? हाँ डूबा है। ये लालच के चक्कर में लोग हैं, ड्रम के चक्कर में कूदा है ना अंदर। मतलब कि गाड़ी एक डूबी है, ये ड्रम है, ठीक है। दो गाड़ियां हैं,
दो गाड़ियां हैं, दो गाड़ियां, दो गाड़ियां ड्रमों के साथ फुल थी तो वो नीचे अंडरपास की तरफ गई। कंटेनर भी है, एक जो मजदा है और एक कंटेनर है, दो गाड़ियां टोटल है, दो गाड़ियां टोटल हैं। एक ये ब्लू ड्रम थे मतलब इसके ऊपर लोड और एक कंटेनर था, तो लोगों ने ड्रम उठाने के चक्कर में एक बंदा बीच में डूब गया है। तो वेरी बैड यार, इस तरह नहीं करना चाहिए। आप किसी की हेल्प कर सकते हो, आप ये काम गलत है और गलत के लिए आपको देखो आपको जान अपनी गंवानी पड़ गई। मुझे ये कहते हुए बहुत तकलीफ़ हो रही है, शर्म हो रही है। कुछ लोग यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं और कुछ लोग अपनी लालच के चक्कर में कि मतलब कि ड्रम लूट रहे हैं। यार क्या हो गया, खाली ड्रम है, कितने का, 2000 का मिल जाएगा, तो ड्रम लूटने के चक्कर में अपनी मौत, अपनी ज़िंदगी गवा बैठा। लालच बुरी बला है, इस तरह नहीं करना चाहिए यार, वेरी बैड। ये सिक्योरिटी वाले आ गए हैं, अब ये संभालेंगे, देखेंगे क्या होता है। ट्रैफिक इन्होंने बंद कर दी है, यहाँ से आगे ट्रैफिक नहीं जा सकती। अंकल हैं एक हमारे साथ, ये कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं अंकल बताएं ना। रहमान रहीम, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। क्यों, पानी कम है, नहाओ। अच्छा बता, तेरे को सुकून नहीं है क्या, तू घर पे नहीं बैठ नाम पे कुछ बाबा दे दो, कुछ खाने को आई नहीं, अरे कुछ खाने को नहीं है बाबा, इधर आ। अरे सलामुअलैकुम सर, हमारा बारिश की वजह से गाड़ी ख़राब हो गया, मैं पैक एंड ड्रॉप सर्विस देता हूँ गुलिस्तानी जौहर से क्लिप्टन, और आप इतना परेशान हो, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, गाड़ी में पानी भर गया, अब दुआ करो कि कोई मैकेनिक मिल जाए, मेरा गाड़ी स्टार्ट हो जाए। अच्छा अंकल, हम दुआ करते हैं आपके लिए, और अगर आपको कोई हमारी तरफ से हेल्प चाहिए तो हम धक्का लगा के, ये पीछे गिजरी साथ ही है, हम आपको वहाँ पे छोड़ आते हैं। ये क्या बात हो गई अंकल, परेशान नहीं हो आप, परेशान नहीं हो। शुक्रिया, क्या हाल है। 15 मिनट तो लग गए होंगे इस रश में आपको फंसे हुए। हाँ, वो बस लोग राम राम से टहलते हुए आ रहे हैं, ज्यादा तो शुगल मेला ही है, ज्यादा शुगल मेला ही है, शुगल मेला ये डूब गया, मैंने सुना ये बात। यहाँ पे डूबा है, हाँ। दो गाड़ियाँ डूबी हैं, इसमें से उन्होंने लूटा है मतलब के, हाँ लूटा है इस इलाके में, 15 ड्रम ले गए और एक उस लालच के चक्कर में एक बंदा मर भी गया। क्या कह रहे, सही कह रहा हूँ, वो बंदा खुद पानी में वो ड्रम को उठाते लूटने के चक्कर में एक बंदा मर गया, लूटता लूटता, हाँ वो बीच में डूब गया अंडरपास के अंदर। तो मरना भी तो नहीं चाहिए ना, इतनी डेस्परेशन हो किसी के घर में कि उसको चोरियां करनी पड़े और फिर चोरी करते करते मर जाए, तो दुख भी एक तरह से होता ही है। बिजली कोई नहीं, बिजली नहीं है, पेट्रोल है क्या जनरेटर, पेट्रोल थोड़ा बहुत मतलब के 2-3 घंटे 4 घंटे चल जाएगा, चल जाएगा ठीक है, तो जरूरी काम होंगे वो हो जाएंगे ना। हाँ बस ठीक है, ठीक है, ओके ओके बाय। केपीटी किधर है, फुल फुल सिस्टम तू करा लो, लेंस से सारे छिट्टे आ रहे हैं। ये भी बोलेंगे हमारी इंशाल्लाह। ये भाई पानी अंदर चला गया, हाँ ये 6-6 फुट पानी है, अरे पानी पूरा गाड़ी में, और देखो से निकाल रहे हैं जी। ये नई गाड़ी है 2020 मॉडल की। बारिश फिर से शुरू हो गई है और मुझे भागना पड़ेगा क्योंकि कैमरा गीला हो गया, तो भाई का सिस्टम हो जाएगा, भागो। मंजूर कहाँ जा रहा है यार? यार गार्डनों के लिए चाय लेके जा रहा, उनके पास पता नहीं खाना है या नहीं। ओह चलो यार, गुड लक, हमारा हमसाया है मतलब के गार्डनों के लिए चाय लेके जा रहा है यार, कमाल, इस तरह की हेल्पें करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, थैंक यू।